बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरिएंट कॉलेजेस तेलंगान की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में बीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगले लेक्चर के साथ मैं पेश खिदमत हूँ। आइंदा से वीक के पहले 3 दिन हम जो टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स हैं उनको बारी बारी स्टडी करेंगे, और जो आखिरी 3 दिन है उसमें नामनक्लेचर के हवाले से जो क्लासेस बाकी हैं उनका नामनक्लेचर पढ़ेंगे। तो आज हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का ये पहला लेक्चर है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अल्कीन्स और अल्काइन्स की केमिस्ट्री, इनके जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और इनके मुख्तलिफ रिएजेंट्स के साथ केमिकल रिएक्शंस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्कीन्स को। अल्कीन्स के सेक्शन में हम पढ़ेंगे अल्कीन्स का एक इंट्रोडक्शन, उसके बाद अल्कीन्स के लिए जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिर इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, और फिर आखिर में इनके इम्पोर्टेंट यूजेस। अल्कीन्स आप जानते हैं उन हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं जिनमें कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है। अगर किसी अल्कीन में एक डबल बॉन्ड पाया जाए तो उसे मोनोइन कहते हैं, अगर दो डबल बॉन्ड पाए जाएं तो उसे डाईइन्स कहते हैं। हम इस चैप्टर में अपनी डिस्कशन सिर्फ मोनोइन्स तक महदूद रखेंगे। मोनोइन्स की बात करें तो मोनोइन्स का जनरल फार्मूला CnH2Na, यहाँ पर n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर देन 1। अल्कीन्स को ओलिफिन भी कहा जाता है। इन्हें ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो लोअर अल्कीन्स मसलन इथीन प्रोपीन वगैरह हैं वो जब क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ओलिफिन का लफ्जी मतलब है ऑयल फार्मिंग, ओली ऑयल और फिन अफिनिटी या फार्मिंग। तो ऑयली प्रोडक्ट्स बनाने की मुनासबत से इन्हें ये नाम दिया जाता है ओलिफिन। अब हम आते हैं अल्कीन्स के जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की तरफ, और इसमें पहला मेथड है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन क्या है? रिमूवल ऑफ ए हाइड्रोजन एटम एंड ए हेलोजन एटम इज कॉल्ड डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रो हाइड्रोजन और हेलोजिनेशन हेलोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हेलोजन एटम इज कॉल्ड डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। जब अल्काइल हैलाइड्स को किसी स्ट्रांग बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो इसके नतीजे में उनकी डीहाइड्रो हेलोजिनेशन होती है और अल्कीन्स बनते हैं। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन के लिए या तो अल्काइल हैलाइड्स को हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है और या फिर लो टेम्परेचर पर किसी स्ट्रांग बेस के साथ हीट किया जाता है। तो मसलन ये एक एग्जांपल है इथाइल क्लोराइड की। इथाइल क्लोराइड को अगर अल्कोहलिक क्यूएच के साथ हीट करें, अल्कोहलिक क्यूएच एक स्ट्रांग बेस है, तो इस रिएक्शन के नतीजे में इथीन गैस बनती है और इसके साथ KCl और वाटर बनती है। अब अगर हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करें, एक समरी बताना चाहें कि इस रिएक्शन में होता क्या है, तो ओवरऑल इस रिएक्शन में ये चेंज आता है कि जो अल्फा कार्बन है उसमें से हैलोजन एटम रिमूव होता है और जो बीटा कार्बन है उसमें से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव होती है। अब ये अल्फा बीटा गैमा ये डेजिनेशन क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में
उस कार्बन एटम को अल्फा कार्बन कहते हैं जो फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच हो। मसलन इस एग्जांपल में क्लोरीन एटम फंक्शनल ग्रुप में, अब इसके साथ ये कार्बन बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन अल्फा कहलाएगा। अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड होते हैं उन्हें अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। अल्फा कार्बन के साथ अगर कोई कार्बन एटम बॉन्डेड हो तो उसे बीटा कार्बन कहते हैं, और बीटा कार्बन के साथ अगर कोई हाइड्रोजन एटम लगे हों तो उन्हें बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। इसी तरह अगर बीटा कार्बन के साथ कोई कार्बन एटम बॉन्ड बना रहा हो तो उसे गैमा कार्बन कहते हैं। गैमा के साथ जो अगला कार्बन होता है उसे डेल्टा कहते हैं, और डेल्टा के साथ जो अगला कार्बन है उसको एप्साइलॉन कहते हैं। आमतौर पर मुख्तलिफ रिएक्शन में हमें कई दफ़ा ये डेजिनेशन मेंशन करना होती है, तो मोस्टली अल्फा बीटा गैमा ये डेजिनेशन ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो ये जनरल डेजिनेशन है कि किसी मालिक्यूल में जो भी फंक्शनल ग्रुप में उसके साथ जो कार्बन एटम बॉन्डेड होगा वो अल्फा कहलाएगा, अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन बॉन्डेड होगा वो बीटा कहलाएगा, और बीटा के साथ जो होगा वो गैमा कहलाएगा। तो मैंने बताया कि डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन में हमेशा क्या होता है कि हेलोजन एटम इज़ रिमूव फ्राम अल्फा कार्बन एंड ए हाइड्रोजन एटम इज़ रिमूव फ्राम बीटा कार्बन। अब इथाइल क्लोराइड में ये जो CH2 है इसके साथ से क्लोरीन एटम रिमूव हुआ, और ये जो CH3 है इसमें से हाइड्रोजन एटम रिमूव हुआ, और इन दोनों कार्बन के बीच एक नया पाई बॉन्ड बन गया, इनके दरमियान डबल बॉन्ड आ गया। अब डी हाइड्रो हेलोजिनेशन में या तो अल्कालाइड को हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, और या फिर इन्हें किसी स्ट्रांग बेस के साथ ट्रीट करवाया जाता है एट ए लोअर टेम्परेचर। इस मकसद के लिए जो सबसे कॉमन रिएजेंट यूज़ किया जाता है वो C2H5ONA इन एथेनॉल है, C2H5ONA सोडियम इथोसाइड। सोडियम इथोसाइड को एथेनॉल में डिज़ोल्व किया जाता है, तो ये सॉल्यूशन फिर डीहाइड्रो हेलोजिनेशन के मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पोटाशियम टर्शियरी ब्यूटोसाइड को भी यूज़ किया जाता है, और इसके अलावा सोडियम अमाइड को भी यूज़ किया जाता है डिज़ोल्व्ड इन अमोनिया। ये मुख्तलिफ बेसिस हैं जिन्हें यूज़ किया जा सकता है। जितना स्ट्रांग बेस यूज़ किया जाएगा उतना लो टेम्परेचर दरकार होगा। अब मसलन ये वाला रिएक्शन है, इसमें जो बेस यूज़ किया जाता है वो ये पोटाशियम टर्शियरी ब्यूटोसाइड है। अब यहाँ जो टेम्परेचर रिक्वायर है वो जस्ट 50 सेंटीग्रेड है। तो इस रिएक्शन को भी देख लें, इस रिएक्शन में ये कार्बन अल्फा है क्योंकि इसके साथ क्लोरीन एटम बॉन्डेड है। अब इस अल्फा कार्बन के साथ ये तीन कार्बन एटम बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये तीनों कार्बन बीटा कार्बन कहलाएंगे। तो अब अल्फा कार्बन में से ये क्लोरीन एटम निकल जाएगा और बीटा कार्बन में से H। अब तीन बीटा कार्बन है तो H कहाँ से निकलेगा? इसका जवाब है कि आप जहाँ से मर्जी एक H हटाकर डबल बॉन्ड लगाएं, जो स्ट्रक्चर बनेगा वो सेम बनेगा, उसका नाम एक ही आएगा। आप इधर से एक H हटाकर इनके बीच डबल बॉन्ड लगा दें, या ऐसा इधर करें या इधर करें, तीनों सूरतों में जो स्ट्रक्चर आएगा उसका नाम आप बना कर देखें आइसोब्यूटाइलीन बनेगा। इसलिए आपकी मर्जी है, जहाँ से H हटा दें तो फिर उस कार्बन और अल्फा कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा दें। अब ये बन जाएगा एक अल्कीन जिसका नाम है आइसोब्यूटाइलीन, और बाकी इसमें KCl बनेगा और टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा। इसी तरह ये एक और एग्जाम्पल है, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड को अगर KOH के साथ रिएक्ट करवाएं, अब ये कार्बन अल्फा जिसके साथ ब्रोमीन एटम बॉन्डेड है, ये बीटा और ये भी बीटा। इस एग्जाम्पल में भी आप जिस बीटा कार्बन से मर्जी H हटा दें, प्रोडक्ट एक ही बनेगी। उसकी वजह यह है कि दोनों बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन एटम बराबर है, तो स्ट्रक्चर एक ही आएगा, और क्या बनेगा?
प्रोपीन बनेगी। अब एक और एग्जांपल कंसिडर करें, हमारे पास है CH3, CHBr, CH2, CH3। इसको अगर हम अल्कोहलिक OH के साथ रिएक्ट करवाएं तो एक अल्कीन बनेगा। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हैं अल्कीन के बनने के हवाले से कि कौन सा अल्कीन बनेगा। वो दो पॉसिबिलिटीज कैसे हैं ज़रा गौर करें। ये कार्बन तो हुआ अल्फा, अब ये कार्बन बीटा है और ये कार्बन बीटा है। अब ये जो कार्बन नंबर 1 है बीटा कार्बन है और इसको मैंने नंबर दे दिया 1, इसके पास 3 हाइड्रोजन है। अगर यहाँ से H रिमूव हो तो फिर इस कार्बन और अगले कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, ये नीचे वाली बनेगी CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। यहाँ CH2 रह जाएगा, ये CH इधर डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, आगे ये CH2 और ये CH3। लेकिन अगर ऐसा हो कि हाइड्रोजन इस कार्बन से रिमूव हो, इस बीटा कार्बन से, जिस कार्बन को मैंने कार्बन नंबर 3 कहा है, तो फिर क्या बनेगा, फिर ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये ऊपर वाली प्रोडक्ट बनेगी। तो अब यहाँ थ्रेटिकली दो प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं, 1-ब्यूटीन भी बन सकती है और 2-ब्यूटीन भी बन सकती है। अब सवाल यह है कि रियल में क्या बनेगा, तो इसका जवाब है कि इस चीज़ को हम एक रूल की मदद से बता सकते हैं। एक रूल है जो इसको गवर्न करता है और उसको सेज़फ रूल कहा जाता है। सेज़फ रूल क्या कहता है कि इफ़ बीटा हाइड्रोजन इज़ अवेलेबल एट मोर देन 1 पोजीशन, इट इज़ एलिमिनेटेड फ्राम द कार्बन हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर बीटा हाइड्रोजन एक से ज़्यादा जगहों पर अवेलेबल हो तो ये उस कार्बन से रिमूव होगी जिसके पास हाइड्रोजन एटम कम है। या फिर इसकी स्टेटमेंट हम यूं भी दे सकते हैं कि बीटा हाइड्रोजन इज़ अवेलेबल एट मोर देन 1 पोजीशन, द मोर सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट इज प्रीडोमिनेटली फॉर्म। वो प्रोडक्ट प्रीडोमिनेटली बनेंगी जो मोर सब्सटीट्यूटेड है। मोर सब्सटीट्यूटेड का यही मतलब है जिसमें से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो चुके हैं विद सम अदर ग्रुप। तो अब उस रिएक्शन में जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो ये 2-ब्यूटीन होगी, यानी CH2 से H निकलेगा ना कि CH3 से। एक बीटा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, एक के पास 2 हैं, तो अब हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन वाले कार्बन से निकलेगा यानी कार्बन नंबर 3 से, तो कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड आएगा, ये कार्बन 2 और 3 हैं और 2-ब्यूटीन एक्चुअल प्रोडक्ट होगी। इसमें फिर एक और सवाल पैदा हो सकता है आपके जहन में कि क्या 1-ब्यूटीन बनेगी नहीं, तो ये मैं बात बताता चलूँ। इस स्टेटमेंट पे आप गौर करें, यहाँ भी लिखा हुआ है द मोर सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट इज प्रीडोमिनेटली फॉर्म। इसका मतलब हुआ कि दूसरी प्रोडक्ट भी बनती है लेकिन वो माइनर होती है, उसकी जो यील्ड है वो कम होती है। तो अब हम यहाँ पर कहेंगे कि 2-ब्यूटीन मेजर प्रोडक्ट है और 1-ब्यूटीन माइनर प्रोडक्ट है। याद रखें कि मुख्तलिफ कंडीशन की मौजूदगी में जो मेजर और माइनर प्रोडक्ट्स हैं उनकी यील्ड्स वेरी कर सकती हैं। सेज़फ रूल के लिए एक और एग्जांपल कंसिडर कर लें। ये हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है, इसका नाम है 3-methyl 2-bromo 3-methyl butane, ऑफिशियली करेक्ट नेम होगा, ब्रोमो 2-bromo को पहले लिखना चाहिए अल्फाबेटिकल आर्डर की वजह से। बहरहाल ये कार्बन अल्फा है जिसके साथ ब्रोमीन एटम बॉन्डेड है, अब ये कार्बन बीटा और ये कार्बन बीटा। अब देखें इस बीटा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है और इस बीटा कार्बन के पास सिर्फ 1 हाइड्रोजन है, तो अब सेज़फ रूल के मुताबिक ये वाला बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा और इन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा, तो यूँ प्रोडक्ट आएगी CH3 C CH3
डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, प्रोडक्ट बनेगी सी एच थ्री सी सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी एच थ्री, ये प्रोडक्ट बनेगी और इसका नाम होगा टू मिथाइल टू ब्यूटीन। इसके बाद अगला मेथड देखते हैं, अगला मेथड है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। जब अल्कोहल्स को किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट मसलन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया जाता है तो डिहाइड्रेशन वाक़ होती है और अल्कीन्स बनते हैं। मसलन इथाइल अल्कोहल है, इसको अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 180 सेंटीग्रेड तक हीट करें तो ये जो अल्फा कार्बन है इसमें से OH रिमूव होगा और बीटा कार्बन में से H रिमूव होगा और ये एक अल्कीन बनेगी जिसका नाम है इथीन और इसके साथ वाटर बनेगा। यहाँ OH फंक्शनल ग्रुप है तो जिस कार्बन के साथ OH बॉन्डेड है उसे अल्फा डेजिग्नेट करेंगे और अल्फा के साथ जो कार्बन बॉन्डेड है उसे बीटा डेजिग्नेशन देंगे। तो डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि अल्फा कार्बन में से OH रिमूव होता है और बीटा कार्बन में से H रिमूव होता है। अब अल्कोहल्स की तीन टाइप्स हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स और टर्शियरी अल्कोहल्स। तीनों टाइप्स के जो अल्कोहल्स हैं उनके लिए जो रिएक्शन कंडीशन दरकार हैं वो मुख्तलिफ हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग कंडीशन प्राइमरी अल्कोहल की दफ़ा रिक्वायर होती हैं और सबसे माइल्ड कंडीशन टर्शियरी अल्कोहल की दफ़ा। प्राइमरी अल्कोहल की ये एग्जांपल है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड कंसेंट्रेटेड होना चाहिए, फुली कंसेंट्रेटेड और टेम्परेचर 180 सेंटीग्रेड। लेकिन अब ये एक और एग्जांपल देखें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की, इसकी डिहाइड्रेशन में हमें H2SO4 के सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन सिर्फ 60% चाहिए, यानी सॉल्यूशन ऐसा हो कि उसमें 60 पार्ट H2SO4 हो और 40 पार्ट्स वाटर हो और यहाँ टेम्परेचर रिक्वायर 100 सेंटीग्रेड है। तो अब यहाँ क्या होगा कि ये कार्बन अल्फा, इसमें से ये OH निकलेगा और ये दोनों कार्बन बीटा, दोनों के पास हाइड्रोजन की इक्वल तादाद, तो किसी एक में से एक H निकलेगा तो उस कार्बन और अल्फा कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा, प्रोपीन हासिल होगी। और फिर ये जो एक और एग्जांपल है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये एक टर्शियरी अल्कोहल है, इसकी दफ़ा सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन सिर्फ 20% कंसेंट्रेशन वाला हो और टेम्परेचर सिर्फ 85 सेंटीग्रेड। अब रिएक्शन में क्या होगा कि ये कार्बन अल्फा है, इसमें से OH रिमूव होगा और ये तीन कार्बन बीटा हैं, तीनों के पास हाइड्रोजन की तादाद बराबर है, किसी एक में से एक H रिमूव होगा तो एक अल्कीन बनेगा जिसका नाम है आइसो ब्यूटाइल। यहाँ भी फिर ओरिएंटेशन की बात आ जाती है जो कि हमने अल्कालाइड में पढ़ी है कि अगर एक से ज़्यादा बीटा कार्बन हों और उनके पास हाइड्रोजन की तादाद बराबर ना हो तो फिर क्या होगा। तो फिर यहाँ भी सेज़फ रूल ही अप्लाई होता है, जिस बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन एटम थोड़े होंगे वहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगी। अब मसलन ये अल्कोहल है, इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इसमें ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन बीटा और ये भी बीटा। इस बीटा कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है और इस बीटा कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन है। तो जब हम इस अल्कोहल को हीट करेंगे विद सल्फ्यूरिक एसिड तो अल्फा कार्बन से OH निकलेगा और बीटा, इस बीटा कार्बन से H, इन दो के बीच डबल बॉन्ड बनेगा। तो फिर ये चीज़ आएगी, ऊपर से पढ़ना शुरू करें CH3, यहाँ CH रह जाएगा, आगे डबल बॉन्ड CH, ये OH निकल जाएगा और आगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 टू ब्यूटीन मेजर प्रोडक्ट होगी। और इसमें अगर दूसरे बीटा कार्बन से H निकले तो 1 ब्यूटीन बनेगी, वो माइनर प्रोडक्ट होगी। तो इस तरह डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में भी सेज़फ रूल अप्लाई होता है। अब देखते हैं डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म।
पहले स्टेप में अल्कोहल्स की प्रोटोनेशन होती है, सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जा रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड प्रोटॉन रिलीज करता है अपॉन आयोनाइजेशन, प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन। पहले स्टेप में अल्कोहल का मॉलिक्यूल इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, OH के ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन लोन पेयर के ज़रिए इस हाइड्रोजन आयन के साथ बॉन्ड बनाती है, तो फिर ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाते हैं। अब ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ये तीन बॉन्ड बना रहे हैं। सेकेंड स्टेप में ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, सॉरी यहाँ OH2 आएगा, इसमें से ये OH2 ग्रुप निकल जाता है और ये कार्बो केटाइन बन जाते हैं, यहाँ CH आएगा। इसको मैं पहले दुरुस्त कर लूँ जी। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि प्रोटोनेटेड मालिक्यूल में से OH2 ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ वाटर मालिक्यूल निकल जाता है और ये कार्बोकेटाइन बन जाता है जिसका नाम है आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन। और फिर थर्ड स्टेप में ये जो कार्बोकेटाइन है इसमें से एक बीटा हाइड्रोजन रिमूव होता है। अब ये कार्बन अल्फा है जिसके साथ ओरिजिनल मालिक्यूल में OH बॉन्डेड था या जिस पर आप पॉजिटिव चार्ज है, और इसके साथ जो कार्बन बॉन्डेड है वो बीटा कार्बन है। दोनों बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन की तादाद बराबर है तो किसी एक में से एक H बतौर हाइड्रोजन आयन रिमूव हो जाता है। तो उस हाइड्रोजन जो रिमूव हुआ उसके और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड था वो शिफ्ट हो जाता है बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन और यूं एक अल्कीन बन जाता है। अब ओवरऑल इन तीन स्टेप्स का नतीजा क्या निकलता है कि एक OH2 ग्रुप रिमूव होता है। हाइड्रोजन आयन पहले स्टेप में यूज़ होता है लेकिन आखिरी स्टेप में वो दोबारा बन जाता है, तो इस तरह हाइड्रोजन आयन का साइकिल चलता रहता है। तो मजमूई नतीजा ये निकलता है कि एक OH2 ग्रुप अल्कोहल मालिक्यूल में से रिमूव होता है। फिर डिहाइड्रेशन में एक इशू की बात करते हैं, एक प्रॉब्लम की बात करते हैं। अभी आपने मैकेनिज्म में देखा कि डिहाइड्रेशन में कार्बोकेटाइन्स इन्वॉल्व हैं। कार्बोकेटाइन जो होते हैं उनकी अपनी अपनी स्टेबिलिटीज़ होती हैं, मुख्तलिफ कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटी मुख्तलिफ होती है, डिपेंड करता है कि उसमें किस हद तक हाइपर कंजुगेशन है। तो अगर किसी रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनते हों तो वो कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो सकते हैं टू गेट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो डिहाइड्रेशन में भी ऐसा होता है कि कार्बोकेटाइन जो बनते हैं अगर वो सिंपल नहीं है तो वो रीअरेंज हो सकते हैं। रीअरेंजमेंट की वजह से फिर क्या होगा कि जो एक्चुअल प्रोडक्ट होगी, जो अल्कीन बनेगा वो एक्सपेक्टेड अल्कीन से डिफरेंट होगी। जो अल्कीन हम थ्रेटिकली प्रिडिक्ट कर रहे होंगे वो अल्कीन एक्चुअली नहीं बनेगी, एक्चुअल अल्कीन कुछ और होगी। तो इसको समझने के लिए ये एक रिएक्शन की एग्जांपल लें। एक अल्कोहल है 3,3-dimethyl-2-butanol। ये 3,3-dimethyl-2-butanol है, इसको अगर डिहाइड्रेट किया जाए तो होना क्या चाहिए कि ये कार्बन अल्फा है, ये बीटा और ये बीटा। अल्फा कार्बन से OH रिमूव होना चाहिए और बीटा कार्बन से H। अब इस बीटा कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन है और इस बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं। इसका मतलब है कि डिहाइड्रेशन सिर्फ यहाँ होगी, इस बीटा कार्बन से H निकलेगा, इन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा, तो फिर ये प्रोडक्ट बननी चाहिए, ये प्रोडक्ट बननी चाहिए 3,3-dimethyl-1-butene। लेकिन इस रिएक्शन में जो एक्चुअल प्रोडक्ट्स हैं वो दो हैं और उन दो में ये शामिल नहीं है। एक्चुअल प्रोडक्ट जो बनती हैं उनमें एक है 2,3-dimethyl-2-butene और एक है 2,3-dimethyl-1-butene। जो पहले वाली है वो तकरीबन 80% बनती है और दूसरे वाली 20% बनती है। अब ऐसा कैसे होता है इसको समझने के लिए हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि अल्कोहल की प्रोटोनेशन होगी, ऑक्सीजन लोन पेयर के ज़रिए हाइड्रोजन आयन के साथ बॉन्ड बनाएगा,
तो ये एक प्रोटोनेटेड मॉलिक्यूल बन जाएगा, यहाँ OH2 आ गया। और अगले स्टेप में क्या होगा कि इसमें से ये OH2 ग्रुप वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में निकल जाएगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये एक कार्बोकेटाइन बन गया, ये एक सेकेंडरी कार्बोकेटाइन होगा। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसको देखें कि वो कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो वो एक और दो, दो कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो ये सेकेंडरी है। इसमें अब रीअरेंजमेंट मुमकिन है। इस कार्बन को अगर हम अल्फा कार्बन कहें और ये कार्बन बीटा हो, तो इस बीटा कार्बन के पास तीन मिथाइल हैं, तो ये एक मिथाइल यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है। एरो की मूवमेंट से आप इसको देखें, इसका अंदाज़ा लगाएं कि ये मिथाइल यहाँ शिफ्ट होगा, इस कार्बन के साथ बॉन्डेड हो जाएगा, तो इस कार्बन की वैलेंसी तो पूरी हो जाएगी, इस पर से पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। अब इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हो जाएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो अब ये एक नया कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब ये वाला कार्बोकेटाइन टर्शरी है। अब ये कार्बन देखें जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये तीन कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो ये एक टर्शरी कार्बोकेटाइन है। तो दिस कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन दिस वन। तो यहाँ रीअरेंजमेंट हुई, क्योंकि रीअरेंजमेंट से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना था। अब इसके बाद मैकेनिज्म का थर्ड स्टेप होगा कि बीटा कार्बन में से एक हाइड्रोजन एटम का लॉस होगा बतौर हाइड्रोजन आयन। अब देखें, ये कार्बन अल्फा हुआ, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन और ये बीटा कार्बन, इन दोनों कार्बन के पास हाइड्रोजन की तादाद बराबर है, तो चाहे एक में से H हटा दें चाहे दूसरे में से, स्ट्रक्चर एक ही बनेगा, तो दोनों स्ट्रक्चर डुप्लीकेट होंगे, तो आपकी मर्जी है जहाँ से हटा दें। एक तो पॉसिबिलिटी ये है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ से H रिमूव हो सकता है। सेजर फूल के मुताबिक क्या होगा कि मेजर प्रोडक्ट वो होगी जो यहाँ से H निकलने से बनेंगी, क्योंकि इस कार्बन के पास हाइड्रोजन थोड़े हैं जबकि इनके पास ज़्यादा है, तो जब ये वाला H रिमूव होगा तो इन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा, तो ये वाली प्रोडक्ट मेजर होगी। मैं यहाँ से पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, CH3 CCH3 CH3 CCH3, एच निकल गया, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड CCH3 CH3 CCH3 CH3, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगी। और साथ में अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकले तो ये प्रोडक्ट माइनर होगी और इसका स्ट्रक्चर ये होगा। तो अब मैकेनिज्म से ये बात क्लियर है कि इस रिएक्शन में एक्चुअल प्रोडक्ट्स ये दो होंगी, 2,3-dimethyl 2-butene और 2,3-dimethyl 1-butene, जबकि ये जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट थी ये नहीं बनेंगी, 3,3-dimethyl but 1-ene। अब ये एक इशू है कि इस मेथड को फिर सिर्फ सिंपल अल्कोहल्स की दफ़ा यूज़ किया जा सकता है जिनमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होती। अदरवाइज़ क्या होगा, या तो हमें अल्कीन्स का मिक्सचर मिलेगा और या फिर एक्सपेक्टेड अल्कीन हासिल नहीं होगी। इसके बाद आते हैं थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ, और वो है डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। डी हेलोजिनेशन रिमूवल ऑफ हेलोजन एटम, किसी मॉलिक्यूल में से हेलोजन एटम का निकलना डी हेलोजिनेशन कहलाते हैं। डाइहैलाइड्स आर दोज कंपाउंड्स विच हैव टू हेलोजन एटम, विसिनल डाइहैलाइड। इफ टू हेलोजन एटम आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम्स, द डाइहैलाइड्स आर कॉल्ड विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल का लफ्जी मतलब है नेबर। विसिनल डाइहैलाइड वो डाइहैलाइड होते हैं जिनमें दो हेलोजन एटम दो एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होते हैं, यानी एक हेलोजन एक कार्बन के साथ और दूसरा दूसरे कार्बन के साथ। विसिनल डाइहैलाइड्स को जब जिंक के साथ हीट किया जाता है तो दो हेलोजन एटम रिमूव होते हैं और उन दो कार्बन के बीच जिनके साथ हेलोजन एटम बॉन्डेड थे उनके बीच डबल बॉन्ड आ जाते हैं। मसलन 1,2-dibromoethane एक विसिनल डाइहैलाइड है, इसको अगर जिंक के साथ हीट करें इन मीथनॉल
तो ये दो ब्रोमीन एटम रिमूव होंगे, इन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा, ये चीज़ बनेगी इथीन और इसके साथ जिंक ब्रोमाइड। इसी तरह ये एक और एग्जांपल है CH3CHBr CH2Br 1,2-dibromopropane, इसको अगर जिंक के साथ हीट करें तो इन दोनों कार्बन में से जो राइट साइड से पहले दो कार्बन है इनमें से ब्रोमीन एटम निकल जाएंगे और इनका आपस में डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस जिंक ब्रोमाइड। मैकेनिज्म देखते हैं, पहले स्टेप में जिंक एटम दो इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक आयन बनाते हैं, उसके बाद ये होता है कि 1,2-dibromo इथेन में एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होता है, ये इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन में एब्जॉर्ब होता है जिनके साथ हैलोजन बॉन्डेड है। जब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन एटम इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है तो होता यह है कि उस कार्बन का ब्रोमीन या हैलोजन के साथ बॉन्ड टूट जाता है और वो हैलोजन एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को साथ लेकर जो वो शेयर कर रहा था उन्हें साथ लेकर अलहदा हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव आयन। तो ये ब्रोमाइड आयन निकल जाता है और इस कार्बन के साथ ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाता है और ये एक रेडिकल बन जाते हैं। फिर ये कार्बन एक और इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है और यूं इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। अब फिर अगले स्टेप में ये कार्बन क्या करते हैं, इस पर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इसके पास दो अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन है, ये अगले कार्बन के साथ उन दो इलेक्ट्रॉनों की मदद से बॉन्ड बना लेते हैं, तो इस तरह इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड हो जाता है। तो फिर नेक्स्ट कार्बन का जब इसके साथ एक और बॉन्ड बनता है तो वहाँ से ब्रोमीन एटम एनफोर्स हो जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर अलहदा हो जाए, तो ये ब्रोमीन एटम भी ब्रोमाइड आयन के तौर पर निकल जाता है। तो इस तरह ये अल्कीन बन जाता है और बाकी ये जो दो ब्रोमाइड आयन है ये जिंक आयन के साथ कंबाइन होकर जिंक ब्रोमाइड बना देते हैं। इसके बाद अगला मेथड देखते हैं, अगला मेथड है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम और पोटाशियम साल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स, कोल्स मेथड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड वो कंपाउंड जिनमें दो COOH ग्रुप हो, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट से मुराद वो कंपाउंड है जिनमें COOH का जो हाइड्रोजन है उसकी जगह कोई केटाइन हो। तो जब हम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटाशियम साल्ट्स के एक्वस सॉल्यूशंस बनाते हैं और फिर इन सॉल्यूशंस की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एक कम्प्लेक्स रिएक्शन वाकई होता है, इसके नतीजे में अल्कीन बनते हैं और साथ में दूसरी प्रोडक्ट्स बनती हैं। मसलन ये एक साल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ अगर पोटाशियम आयंस की जगह हाइड्रोजन एटम होते तो ये एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता और इसका नाम होता सक्सिनिक एसिड या ब्यूटेन डाइओइक एसिड। अब जब यहाँ पोटाशियम आयन है तो ये साल्ट है और इसका नाम है डाई पोटाशियम सक्सिनेट या डाई पोटाशियम ब्यूटेन डाइओएट। नाम आपने पढ़े हुए हैं, नाम इसलिए सिखाए गए कि रिएक्शन में आप इस स्ट्रक्चर्स के नाम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें। तो डाई पोटाशियम सक्सिनेट का वाटर में सॉल्यूशन बनाकर सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी को गुजारा जाता है तो इसके नतीजे में ये एक अल्कीन बनता है इथीन और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन और पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनते हैं। इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं, सबसे पहले ये डाई पोटाशियम सक्सिनेट जब पानी में हल होता है तो आयोनाइज हो जाते हैं, आयंस में सप्लिट हो जाते हैं, नेगेटिव आयन अलहदा और पॉजिटिव आयन अलहदा। अब नेगेटिव आयन एनोड की तरफ चले जाते हैं और पोटाशियम आयन कैथोड की तरफ चले जाते हैं। ये सक्सिनेट आयन है, ये एनोड पर जब पहुंचते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, यहाँ ये जो दो ऑक्सीजन है जिन पर नेगेटिव चार्ज है ये दोनों ऑक्सीजन एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, तो इन ऑक्सीजन के पास अब एक एक
अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है, उस अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन को डिनोट करने के लिए मैंने इनके साथ स्टेरिक लगा दिया। अब ये एक रेडिकल बन गया जिसका नाम है सक्सीनेट फ्री रेडिकल, और दो इलेक्ट्रॉन लूज हुए। ये इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल वायर से होते हुए कैथोड की तरफ चले जाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, अगले स्टेप में ये जो सक्सीनेट फ्री रेडिकल है इसकी मज़ीद स्प्लिटिंग होती है, ये मज़ीद स्प्लिट होता है, टूटता है। तो ये अब थर्ड स्टेप है, ये जो दाईं तरफ लेदर से लिखा गया, और अब यहाँ मैंने सक्सीनेट रेडिकल के तमाम बॉन्ड्स को शो किए। अब यहाँ होता क्या है, ऑक्सीजन के पास एक अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन इस कार्बन को ऑफर करते हैं बॉन्ड बनाने की, कि एक इलेक्ट्रॉन मैं देता हूँ, एक का बंदोबस्त तुम करो, बॉन्ड बनाते हैं। अब कार्बन, फिर ये वाला कार्बन क्या करते हैं, ये अगले कार्बन के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं इस शेयरिंग को ख़त्म कर देते हैं और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेते हैं। वो इलेक्ट्रॉन अब एरो में ऑक्सीजन की तरफ शो कर रहा हूँ, जिसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन अब ऑक्सीजन के साथ शेयर होने जा रहे हैं। तो ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया, दोनों आपस में शेयर कर लेंगे, दोनों के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये एक मालिक्यूल बन जाएगा, ओ डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मालिक्यूल है। तो यूँ इन दोनों कार्बन का आपस का बॉन्ड टूट गया, तो ये ऊपर वाला हिस्सा अलहदा हो गया। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ जाएगा और फिर यही कुछ नीचे वाले ग्रुप में भी होगा, इधर भी इस ऑक्सीजन ने भी इस कार्बन को ऑफर की, तो फिर ये कार्बन इधर से इलेक्ट्रॉन लाएगा, शेयरिंग ख़त्म करेगा, इधर से दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चला जाएगा। तो इस तरह ये दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बन जाएंगे और साथ में एक नया रेडिकल बन जाएगा CH2CH2। और फिर अगले स्टेप में ये होगा कि इन दोनों कार्बन के पास एक एक अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन है, इनको आपस में ये शेयर कर लेंगे और इस तरह इनके दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये इथीन का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ये एनोड पर रिएक्शंस होंगे और इन रिएक्शंस के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और इथीन बनेंगे। अब कैथोड पर पोटाशियम आयन गए और उधर इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हैं, पोटाशियम आयन इन इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस तरह पोटाशियम एटम बनते हैं। पोटाशियम एटम यानी पोटाशियम मेटल बनी। पोटाशियम मेटल पानी के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रखती है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, वाटर बतौर सॉल्वेंट मौजूद है, तो पोटाशियम फौरन उस पानी के साथ रिएक्ट करके पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बना देती है और इसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ये कोल्स मेथड का मैकेनिज्म है। ये हमारे पास अल्कीन्स बनाने का चौथा जनरल मेथड था। ये एक टाइप के मेथड्स कंप्लीट हो गए। ये दरअसल एलिमिनेशन मेथड्स हैं, इन्हें हम सिंपल एलिमिनेशन रिएक्शंस कहेंगे। इसके बाद जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सेकंड टाइप आ जाएगी और उस टाइप के रिएक्शंस को हम कहते हैं पायरोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो पायरोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शंस के तहत अल्कीन कैसे बनते हैं ये इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो अगले लेक्चर में हम इस टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे और अल्कीन्स को बनाने के जो मज़ीद मेथड्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो कल इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।